लव जिहाद के मामले के साथ। जी हाँ, दिल्ली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दिल्ली में मुंबई की श्रद्धा की निर्मम हत्या कर दी गई। लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने हत्या की है। 8 मई को श्रद्धा का मर्डर किया गया। आफ्ताब ने लाश को कई टुकड़ों में काटा, फ्रिज में रखता था लाश के टुकड़े, ये भी खबर सामने आई। तो वहीं मुंबई के कॉल सेंटर में दोनों मिले थे, आफ्ताब और श्रद्धा, जहां से उनकी ये दोस्ती की शुरुआत हुई, जो कि परवान चढ़ी और उसके बाद हश्र क्या हुआ उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। परिजनों के विरोध के चलते मुंबई छोड़ी, दिल्ली आई, दिल्ली में लिव इन में रह रहे थे दोनों। तो वहीं पर मेहरौली से दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार किया है। परिजनों के शक पर तफ्तीश की गई, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। और खबर ये भी सामने आई है कि रोज रात 2 बजे लाश के टुकड़ों को जंगल में फेंकता था आफ्ताब। आफ्ताब ने 300 लीटर का फ्रिज खरीदा था मुंबई के कॉल सेंटर में। इन दोनों की इस दोस्ती की शुरुआत हुई थी। देखिए, आज जिस मामले पर हम लगातार बातचीत करने वाले हैं, ये मामला काफी जो है गंभीर है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये कहीं ना कहीं हर एक देशवासी की आत्मा, उसकी रूह को झकझोर देने वाला मामला है। जी हाँ, मुंबई की रहने वाली एक लड़की श्रद्धा, जो कि जो है दिल्ली में आई और वहां पर एक कॉल सेंटर में काम करती थी, जहां उसकी मुलाकात एक आफ्ताब नाम के लड़के से हुई। वहां पर दोनों की दोस्ती हुई, उनकी दोस्ती परवान चढ़ी और उसके बाद ये मामला घर तक गया। घर वालों ने इस मामले को लेकर, इस दोस्ती को लेकर नाराजगी जताई, तो श्रद्धा ने मुंबई छोड़ा, दिल्ली में लिव इन में रहने लगी आफ्ताब के साथ, जो उनका पार्टनर था। और उसके बाद हश्र क्या हुआ उसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं, जो शायद खुद श्रद्धा ने नहीं सोचा होगा कि जो इश्क है, जो मोहब्बत है, वो इस तरह परवान चढ़ेगा कि उन्हें अपने इस मोहब्बत को, एक मोहब्बत के चलते अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। अब देखिए, तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रखे हैं और ये वही लड़की है जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और हैरान कर देने वाली बात यही है कि जिसके लिए अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, और उसी लड़के ने यह हश्र किया, आफ्ताब जिसकी हम बात करें। हालांकि आफ्ताब की गिरफ्तारी हो चुकी है, मामले को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये कि क्या इस देश में इस तरह की मानसिकता वाले लोग भी रह रहे हैं? और अगर हाँ, क्योंकि ये मामला सामने आया है जो हैरान कर देने वाला है और सबकी रूह को झकझोर के रख देने वाला ये मामला है। और हैरानी इस बात की भी कि ऐसे लोग आपके धर्म, आपकी सोसाइटी और आपके लिए खतरनाक हैं। तो ऐसी मानसिकता वाले जो लोग रह रहे हैं, उनसे कैसे बचा जाए, ये तो सवाल है। लेकिन उसी के साथ आज बात एक सेंसिटिव पॉइंट की हो रही है, वो है लव जिहाद, जिसको पहले मान्यता नहीं दी जाती थी और ना ही ये माना जाता था कि ऐसा भी कोई शब्द है जिससे हम तुलना कर सकते हैं। यानी कि लव जिहाद शब्द को कानूनी मान्यता नहीं थी। लेकिन एक मामला जो केरल से सामने आया था, 2016 की ये बात थी जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, उसमें एक महिला थी अखिला अशोकन, जिसको भूला नहीं जा सकता। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि लव जिहाद नाम की भी कोई चीज है और उससे भी नुकसान पहुंचता है। तो बात कर रहे हैं दिल्ली से एक ऐसी खबर के सामने आने की जिससे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। लिव इन में रह रहे लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी। उसकी लाश को 35 टुकड़ों में काटकर उसे अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपी के बयान के आधार पर श्रद्धा की लाश के टुकड़े ढूंढने में जुटी हुई है। इस पर देखिए रिपोर्ट। कहते हैं प्यार में लोग किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, लेकिन आप इसे क्या कहेंगे जब एक लिव इन पार्टनर अपने साथ रह रही लिव इन पार्टनर को आरी के साथ 35 हिस्सों में काट दे। जाहिर है ये किसी भी सामान्य शख्स के समझ के बाहर की बात है, और ऐसे शख्स के लिए फरेबी, हैवान, राक्षस जैसे शब्द भी छोटे पड़ जाएंगे। खबर दिल्ली से है, जहां आफ्ताब नाम के एक शख्स ने 1500 किलोमीटर से दूर आकर लिव इन पार्टनर श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी, फिर शव को आरी से 35 टुकड़ों में काटा और अलग अलग 3 जगहों पर फेंक दिया। इस मर्डर की कहानी का प्लॉट मुंबई से शुरू होता है, जहां आफ्ताब की मुलाकात श्रद्धा से होती है। दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और आफ्ताब शादी का वादा भी श्रद्धा से करता है। लेकिन जब श्रद्धा के परिवार को इस रिश्ते के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आफ्ताब और श्रद्धा ने मुंबई छोड़ और अपने घर वालों से सारे रिश्ते तोड़ दिल्ली आकर रहने लगे। दिल्ली आने के बाद जब श्रद्धा ने आफ्ताब पर शादी का दबाव डाला
तो उसने बेरहमी से श्रद्धा की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब श्रद्धा के पिता ने अचानक अपनी बेटी से संपर्क करना चाहा, लेकिन कई दिनों तक कोई सूचना न मिलने पर फिर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आफताब को गिरफ्तार किया तो बताया कि 18 मई को झगड़ा हुआ तो उसने श्रद्धा की गला घोंट कर हत्या कर दी, फिर शव को आरी से 35 टुकड़ों में काटा और अलग अलग 3 जगहों पर फेंक दिया। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपी के बयान के आधार पर श्रद्धा की लाश के टुकड़े ढूंढने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली से दिल दहला देने वाली जो खबर सामने आई है, जो सबकी रूह कपा दे, जाहिर सी बात है। और मामला इतना गंभीर और उसको लव जिहाद का नाम इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि जिस श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए वो उसी का प्रेमी आफताब था और दोनों ही अलग अलग समुदाय से ताल्लुकात रखते थे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बेरहमी से श्रद्धा की हत्या कर दी जाती है, इसे मोहब्बत कहना तो मुझे नहीं लगता सही होगा। और इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसी के साथ तमाम जानकारी के लिए सबसे पहले रुक करते हैं हमारे संवाददाता विनय सिंह का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, एक बार आपसे पूरा अपडेट लेना चाहेंगे, दिल्ली से जो बड़ी खबर सामने आई है, श्रद्धा की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, फिर रात 2 बजे उठकर उन टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया जाता है, इसके अलावा क्या खबर मिली है, आगे क्या कार्रवाई हो रही है, एक बार पूरा अपडेट। देखिए बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े नहीं किए बल्कि उसके प्यार विश्वास के भी टुकड़े किए हैं। पहले आरोपी आफताब अमीन पूनावाला जो बेरहमी से पहले उसका गला दबा के उसकी हत्या करता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए, लाश को ठिकाने के लिए 35 टुकड़े करता है और उसको 18 दिन तक दिल्ली के जो जंगल इलाके हैं उनको रात को 2 बजे फेंकने के लिए निकलता है। जिस तरह से पुलिस ने तफ्तीश की आफताब से, उसने बताया कि उसने जंगल इलाके इसलिए चुने क्योंकि उसको इस बात की उम्मीद थी कि जंगल में जो जानवर होते हैं वो मांस को खा जाएंगे। अलग अलग इलाकों में फेंकना उसने इसलिए रखा ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। ये वाकई में एक खौफनाक और दर्दनाक वाक्या है। वो लड़की जो किसी लड़के पे विश्वास करके अपना घर बार छोड़ देती है, अपना शहर छोड़ देती है, अनजान शहर में आके बसती है, लेकिन उसको अनजान शहर में आने के बाद उसकी हत्या और हत्या के बाद उसकी निर्मम हत्या करके टुकड़े अलग अलग इलाकों में फेंकना, ये वाकई में दिल झकोर देने वाला मामला है। जब पुलिस को भी इस बात का पता चला, जब आफताब को गिरफ्तार किया गया, पुलिस भी हैरान रह गई कि किस तरह से निर्मम हत्या यहाँ पे हुई है। अगर मैं आपको शुरू से अगर सारा वाक्या बताऊं तो आफताब और श्रद्धा दोनों ही मुंबई में कॉल सेंटर में काम करते थे, दोनों में दोस्ती हुई, दोनों में प्रेम हुआ, दोनों के परिवार वालों ने जो कि मुंबई में रहते थे, पालघर की रहने वाली है श्रद्धा, वहाँ पे परिवार वालों ने, चूँकि दोनों अलग अलग समुदाय के थे, दोनों के परिवार वालों की तरफ से, श्रद्धा के परिवार वालों की तरफ से खासकर इस रिश्ते को अपनाए नहीं किया, जिसके बाद दोनों भागकर दिल्ली आए, दिल्ली के मेहरौली इलाके में रहने लगे। 18 मई वो रात है, 18 मई वो वक्त है, दिन है जब श्रद्धा की हत्या हुई। आरोपी की तरफ से, आफताब की तरफ से कहा गया कि श्रद्धा लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी क्योंकि वो दिल्ली में लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। आरोपी के मुताबिक श्रद्धा उस पर शादी का दबाव बना रही थी जिससे वो परेशान था और इसीलिए उसका गला दबा के हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए और लाश को ठिकाने करने के लिए उसने 35 टुकड़े किए, आरी ली, बाकायदा फ्रिज भी लिया और फ्रिज में उन लाश के टुकड़ों को रखा। यह भी बताया जा रहा है कि आसपास के लोगों को बदबू ना आए, इसके लिए बकायदा वो अगरबत्ती और अन्य ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करता था जिससे रूम में खुशबू आए, और 18 दिन तक वो इन लाश के टुकड़ों को रात को 2 बजे निकलता था और अलग अलग जगहों पे फेंकता था। इसके बाद जब श्रद्धा के पिता को ये पता चला कि उनकी बेटी से किसी तरह से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, ना ही सोशल मीडिया पे उनकी बेटी किसी तरह का कोई अपडेट कर रही है, तो उनके पिता दिल्ली आए। 8 नवंबर को उन्होंने ये पाया कि जहां श्रद्धा रहती थी वहां पे ताला लगा हुआ है, जिसके बाद उनके पिता को शंका हुई और उन्होंने पुलिस, मेहरौली पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने जाँच पड़ताल की और पुलिस ने सर्विलांस इंटेलिजेंस की मदद से आफताब को गिरफ्तार किया। आफताब से ठीक है, मैंने रोकना चाहूंगी आपको, वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन करनी सेना के अध्यक्ष सूरज पाल अम्बू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज पाल जी, आज जिस मुद्दे पर हम आपसे बात करने वाले हैं, लव जिहाद, जिसको लेकर अक्सर चर्चा होती है, लेकिन आज जो खबर सामने आई है उस पर आप क्या कहेंगे? घिनौनी और नीच हरकत नहीं हो सकती, ऐसे लोगों को तो सरेआम फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, कड़ी सजा नहीं मिलेगी।
ऐसे लोगों को जो इनके कुरान के अंदर सजा है, पत्थरों से मार मार कर इनको इनकी हत्या कर देती है। ऐसे लोगों की अगले से हमारी मांग करती है, ऐसे लोगों को सजा फांसी है, सबको भी मार के घोषित इससे करने वाले लोगों को हिंदुस्तान में रहने नहीं थे। कौन लोग हैं जो लोग यहाँ का काम कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो नीचता का काम कर रहे हैं? एक माँ बाप बॉम्बे में रहते हैं, अपनी बेटी से मिल रहा है, उसकी बेटी के घर का दरवाजा बंद, और जब उन्होंने देखा दिल्ली पुलिस को 8 नवंबर को मिले, मैं तो दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करना चाहूंगा, तो उन्होंने 14 नवंबर में केस का खुलासा कर दिया। थप्पे टुकड़े किए उस बच्ची की डेड बॉडी, उसकी जो टुकड़ों में मिली बदबू जो उसकी स्मेल आ रही थी, उसके अगर बच्ची चला गया मिले सरकार से, वो अपने घरों में पाने का प्रयास कर रहा था आज साहब, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है इससे बड़ी घट जो कि घट गया। उसके बाद मैं समझता हूँ कि मेरे घर के बाद भी उससे भी जुर्माना कैसे ये हुआ है, हत्या हुई है, ऐसे लोगों को सरेआम फांसी पर लटकाना चाहिए और पत्थरों से मार मार कर इनको सजा मौत। लेकिन सुरेश पाल जी देखिए, ये मामला इसलिए काफ़ी गंभीर है क्योंकि ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता वाले लोग हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए खतरनाक हैं, और ये तो हैवानियत की सारी हदें पार हो गई हैं। इसको मोहब्बत कैसे कहा जाए? निश्चित तौर पे ये किस बात की मोहब्बत, कैसी मोहब्बत, ये मोहब्बत है क्या? अपने बच्ची की लड़के हाथ के चक्कर में उसको झूठ बोलकर उसको प्यार के जल में फंसाना और उसको 36 टुकड़े कर देना, ये प्यार है? ये तो निष्ठा है, ये तो हैवानियत है। निश्चित तौर पर समाज के अंदर ये मैसेज तभी जाएगा जब कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को मिले। मुझे लगता है ऐसी सजा, अब प्रयाग सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई कानून बनाए, दूसरी कोर्ट में जाए, वहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो और जल्द से जल्द बच्ची को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय। बिल्कुल सूरज पाल जी, अब सीधा सवाल मेरा, हालांकि थोड़ा कड़वा हो सकता है लेकिन आप मुखर होकर अपनी बात रखते, इसलिए मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से मामला सामने आया है, क्या ये माना जाए कि जो हिंदू लड़कियां हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि मोहब्बत होती तो शायद आज ये तस्वीरें हमारे सामने नहीं होती। अब बिहार के विरुद्ध जो हम लोग लगातार 3-4 सालों से आवाज उठा रहे हैं, बस यहाँ क्या है, ये हिंदू बेटियों को और हिंदू बच्चियों को टारगेट किया जा रहा। मेरे को कोई दो हिंदुस्तान की घटनाएं बता दो किसी हिंदू बच्चे ने मुस्लिम बच्ची के साथ इस प्रकार की हरकत की, तो निश्चित तौर पर हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है और हिंदू बेटियों को भी इस प्रकार की घटनाओं को देखकर समझना चाहिए, अकल आनी चाहिए, इनका बहुत अकल आनी चाहिए, जो इनके जाने फंसने जा रहे हैं या फंसेंगी उनको समझना चाहिए कि जिस प्रकार की हमें की हदों को पार करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूँ तो अगर हत्या कर सकते तो कानून क्या होता है हम बताएं। आज बिल्कुल सुरेशपाल जी, आज ये तस्वीरें सामने आई है, जाहिर सी बात है कि हर कोई गमगीन है और हर किसी की आत्मा अंदर से झकझोर कर रख दी है इस मामले ने, तो क्या अब इस पे कहीं क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसे मान लिया, जबकि पहले ये नहीं माना जाता था क्योंकि कहा जाता था कि धर्म को बांटने की बात है और सभी को मान्यता है प्रेम की, लेकिन अब ऐसी तस्वीरें सामने आई तो मुश्किल है कहना कि किस पर विश्वास किया जाए। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जा रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे मुकदमों को जल्द से जल्द जाना चाहिए और सरकार का दायित्व बनता है, बल्कि केजरीवाल सरकार का दायित्व बनता है जल्द की घटना वो मांग करे फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए और गृह मंत्रालय के अधिकारियों का भी दायित्व बनता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को ले जाए और तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर न्यायिक प्रक्रिया चालू हो, जिससे कि जल्द से जल्द दोषियों को फांसी की सजा मिले। अब मुझे ये भी जानना चाहूँगी आज सूर्य समाचार पर आपसे, जिस तरह से ये लव जिहाद के मामले सामने आते रहे हैं, पिछले 4 साल का आंकलन किया जाए, कम से कम 3-4 हज़ार ऐसे मामले हैं, छोटी मोटी बात नहीं है, आप बीजेपी से जुड़े, आप क्या कहते हैं इस पर, कानूनी कार्रवाई कैसे हो, सख्त कानून कैसे बने, किस पर अंकुश लग सके, इसका समाधान क्या है? 3-4 हज़ार मामले जो सामने आ चुके हैं, इतने हजारों मामले अभी भी दबे हुए, यही तो विडंबना है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे मामले सामने आए तो उस पर सख्त एक्शन क्या लिया जाए, ऐसा सख्त कानून बने कि कम से कम जो इस तरह की हरकतें करे उससे पहले वो 100 बार सोचे। कोर्ट को सख्ती दिखानी चाहिए, कोर्ट को बिल्कुल तो इसके लिए पहल कौन करे, जनता को करना चाहिए, जनता आवाज उठाएगी, जनता है हम लोग देश के कानून के जो बड़े बड़े वो बैठे हैं न्यायाधीश उनसे मांग करते हैं। फालतू केसों में तो राजीव गांधी वाले केस में 20 लोगों को इन्होंने वरी कर दिया, परंतु जो दारा सिंह जैसे लोग अभी भी अंदर पड़े थे, हिंदुत्व की आवाज उठाते थे, उनको क्यों बरी कर दे? यहाँ पर भी विवाद है, यहाँ भी न्याय प्रक्रिया के अंदर यहाँ पर भी पक्षपात है,
हम तो चाहते हैं जो जिस प्रकार की घटनाएं होती है उनके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया सख्त होनी चाहिए, उसका निर्णय देश के कानून मंत्री ने और मेरा अनुरोध है देश के गृह मंत्री से इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्णय लें और जल्द से जल्द देश के अंदर एक ऐसा कानून बने जो इन लव देहातियों को सरेआम फांसी की सजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूर्य समाचार से बातचीत करने के लिए। तो सुरेश पाल अंबू का साफ तौर पर ये कह रहा है कि देश के कानून मंत्री हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए, सख्त से सख्त कानून लाया जाना चाहिए। लेकिन ये तो बात है जब कानून लाया जाए, लेकिन अभी तक जो मामले सामने आ रहे हैं आखिर उसके बाद सख्ती क्यों नहीं दिखाई जाती? और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे देश में कैसे इतनी बड़ी हिम्मत हो जाती है कि इस तरह से जो है हत्या कर दी जाती है और इस तरह की प्लानिंग की जाती है। आखिर इतनी मजबूत तरीके से, इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से प्लान बनाया जाता है, इतनी हिम्मत कैसे? ये सोचने वाली बात है। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ बने हुए। विनय देखिए, सुरेश पाल अंबू को भी हम सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि जो कानून मंत्री हैं वो इनिशिएट ले, एक सख्त कानून बने, लेकिन कोई पहला मामला तो नहीं है, इससे पहले क्यों नहीं इस तरह का विचार किया जाता? देखिए, जब भी इस तरह के मामले आते हैं, लव जिहाद के मामले आते हैं, तो ये बांग उठने लगती है कि इस पर सख्त कानून हो। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आज से 3-4 साल पहले हरियाणा के बल्लभगढ़ में अंकिता मर्डर हुआ था। अंकिता मर्डर में भी जो आरोपी था वो मुस्लिम समाज से था और वो लगातार अंकिता पर शादी का दबाव डाल रहा था। जब अंकिता ने बात नहीं मानी तो बल्लभगढ़ के जो कॉलेज जहां अंकिता पढ़ती थी वहां पे उसके बाहर उसने बकायदा बंदूक से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और बहुत ज़्यादा विवाद उठा था। तमाम तरह से जो नेता हैं वो लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने की मांग करने लगे थे। यही दुर्भाग्य है कि जब कोई घटना होती है तो मांग उठने लगती है और जब वो घटना पुरानी हो जाती है तो सब शांत हो जाते हैं और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही है। अब जो दिल्ली का जो मामला है जहाँ पे ये मर्डर का मामला है उसके बाद फिर से एक बार सवाल उठने लगे हैं लव जिहाद को लेकर, लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने को लेकर, लव जिहाद पर सख्त एक्शन को लेकर, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन अब देखना है कि कब तक ये मांग उठती है, कब तक लोग जागते हैं, कब इस तरह की घटनाओं पे ठोस कानून बनता है, कब इस तरह की घटनाएं रुकती हैं, ये तमाम अभी सवाल है जो भविष्य के घर में है। लेकिन इन घटनाओं को रोकना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की हत्याएं अगर कोई किसी से प्रेम करता है और वो भी खास तौर पर ये जानते हुए कि सामने वाला दूसरे धर्म का है, और लव जिहाद जैसे मामले इतने ज़्यादा चल रहे हैं उसके बावजूद भी कोई सब कुछ भूल कर भी किसी से प्रेम करता है और उसको प्रेम में धोखा मिलता है, तो वाकई में एक चिंता वाली बात है। और ज़रूर इस पर जो एक्शन लेने की बात होती है और सख्त कानून बनाने की बात होती है वो सोचना चाहिए सरकारों को और उस पर कोई ना कोई सख्त कदम जरूर उठाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए विनय, प्रेम की कोई शक्ल नहीं होती, ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इस तरह के हैवानियत करने वाले, इस तरह के दरिंदों से कैसे बचा जाए, ये बड़ा सवाल है। लेकिन वापस चलते हुए एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन की बात कर लें, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है क्या रिकवर हुआ है? और सबसे बड़ी बात है कि जो परिवारजन है क्या उनको पहले से ये शक था, क्योंकि 6 महीने का 5 महीने का समय बीत गया, उनकी बेटी कॉन्टेक्ट में नहीं थी, उससे पहले उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की, इतना समय लग गया? देखिए, 18 मई वो दिन था जब यहाँ पे कत्ल हुआ था और 18 मई के बाद से चूँकि परिवार नाराज था लड़की से और इसीलिए वो ज़्यादा संपर्क में नहीं था। लेकिन जब पिता को पता चला कि बेटी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे कुछ अपडेट नहीं कर रही है, उसके बाद पिता ने अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश की, उससे संपर्क भी नहीं हो पाया, तो उसके बाद पिता दिल्ली आते हैं, महरौली में उस फ्लैट पर जाते हैं, उस मकान में जाते हैं जहां उनकी बेटी आरोपी आफ्ताब के साथ रह रही थी। वहां पे उनको पता चलता है कि वहां पे ताला लगा हुआ है। जब उनका जो शंका है और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके बाद वो महरौली पुलिस के पास जाते हैं, 8 नवंबर को अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। उसके बाद पुलिस पूछताछ करती है आफ्ताब के बारे में और आफ्ताब से इंटेलिजेंस के जरिए उनको सुराग मिलता है आफ्ताब का, आफ्ताब को गिरफ्तार करती है, आफ्ताब ये बात कबूल करता है। आफ्ताब की जो कबूलनामा है पुलिस के मुताबिक, आफ्ताब ने ये कबूल किया है कि वो जो लगातार जो लड़की है जिसकी मृत्यु हुई है वो उस पर शादी का दबाव बना रही थी। विनय, अभी इसमें बहुत सारे ऐसे खुलासे जो होने बाकी है, आफ्ताब से भी पूछताछ होगी, गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है, आखिर उसकी क्या मंशा रही और किस तरह की जो प्लानिंग करता रहा होगा जो कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। ठीक है विनय, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं लगातार अपडेट आपसे लूंगी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी आपको सुनवाते हैं। लव जिहाद की यही सच्चाई है,
आज से लगभग 10-11 साल पहले जब केरल से ये विषय उठा था लौ जिहाद का, जहाँ पर 4500 लड़कियों को लौ जिहाद के जाल में फंसा के उनको कहीं ना कहीं कुछ लोगों लड़कियों को आतंकी भी बना दिया गया था, ईसाइयों ने उसकी शिकायत की थी, तब देश में लोग नहीं मानते थे। लेकिन आज जो दिल्ली में ध्यान में आया कि आफताब नाम का वो जिहादी जिसने मुंबई की लड़की श्रद्धा को के साथ लव रिलेशन में रह रहा था, लेकिन जब शादी की बात हुई तो उसने उसको 35 टुकड़ों में काट दिया और दिल्ली के 18 अलग अलग स्थानों पर उसको फेंक दिया। इतनी बड़ी विभत्स घटना ये देश के लिए बहुत विस्मयकारी है। और ये घटना हालांकि पहली नहीं है, इसके पहले भी झारखंड में अंकिता एक लड़की थी जिसको बार बार एक मुस्लिम एक जिहादी प्रपोज करता था, जब अंकिता ने मना किया तो उसको जलाकर मार डाला। ऐसी घटना फरीदाबाद में हुई थी कि लड़की के मना करने पर उसको गोली मार दी गई। ये घटना 2 महीने पहले 3 महीने की दिल्ली में भी हुई है। तो इस प्रकार की लौ जिहाद की घटनाएं सारे देश में हो रही हैं और मुझे लगता है कि आज इससे बहुत बड़े कड़े कानून के साथ में हमारा जो शासन है इसको निपटना चाहिए।